सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक और पोयम कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, बहुत ही प्यारी पोयम है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। चलो हम सब लोग 12 तक गिनेंगे और हम सब लोग रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए ही सही, इस पूरी पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसी भाषा का प्रयोग इन सेंस बोलना ही नहीं होता, हम इशारों का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हम कोई साउंड का भी प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सही, पर हम सब लोग रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव्स योर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव योर आर्म सो मच, और अपने हाथों को ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, कितना ही बेहतरीन मोमेंट होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन, जब कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा, कोई मशीनें नहीं चल रही होंगी, कोई भीड़ भड़क्का नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब लोग अचानक से एक हो जाएंगे। मतलब अभी तक हम लोग अजनबी थे, कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी था, कोई कहीं बिजी था, लेकिन जब पूरी दुनिया रुक जाएगी तो हम अचानक से अजनबी रूप से हम एक जैसा महसूस करेंगे। इन द सेंस हम एक ऐसा अद्भुत एकता महसूस करेंगे जो हमने आज तक कभी महसूस नहीं की होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और ठंडे पानी में जो फिशरमैन है, जिसका काम ही है व्हेल्स को नुकसान पहुंचाना, वो भी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो गलत काम कर रहे हैं लोग, जिस काम से किसी और को इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर हम सब लोग रुक जाएंगे तो वो इंसान जो अपने कामों से किसी और को इफ़ेक्ट करता है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे फिशरमैन ठंडे पानी में व्हेल्स को नुकसान पहुँचाता है, वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वो इंसान जो समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने घायल हाथों को देखेगा। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान जो अपने कामों से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी देख सकेंगे कि उन्होंने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। तो ये जो चार लाइन है, ये चार लाइन कहना चाह रही है कि अगर हम दुनिया में कुछ ना करें, रुक जाएं, तो हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पहला। और दूसरा, जितना हमने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है, हम खुद को देख सकेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो लोग जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर इन द सेंस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो लोग जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, वॉर विद गैस, गैस से लड़ रहे हैं, या वॉर विद फायर, फायर से लड़ रहे हैं, उस जीत का क्या फ़ायदा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उस जीत का क्या फ़ायदा जब कोई जीवित ना बचे। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, एक तरीके से दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, उस बर्बादी के बाद क्या फ़ायदा जब कोई बचेगा ही नहीं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहन लो, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन अ शेड डूइंग नथिंग। साफ कपड़े पहन लो, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब साफ कपड़े, साफ कपड़े का मतलब कोई गलत काम मत करो। एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलो। अब यहाँ पे ब्रदर इन द सेंस ब्रदरहुड, तो भाईचारे के साथ चलो। इन अ शेड, एक छत के नीचे, डूइंग नथिंग, और कुछ मत करो। इन अ शेड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एक शेल्टर मानो, पूरी दुनिया को एक ही मानो, और एक ही साथ सब लोग चलो भाईचारे के रूप में, और कुछ गलत काम मत करो। What I want should not be confused with total inactivity। मैं क्या चाह रहा हूँ, अब आप कहोगे पैब्लो नेरुडा चाह रहा है शांत हो जाना। तो what I want, मैं क्या चाह रहा हूँ, should not be confused with total inactivity। भैया मैं चाह रहा हूँ कुछ पल के लिए कुछ मत करो, इससे आप टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंपेयर मत करना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कुछ भी ना करना, मतलब मौत का इंतजार करना, कि आप बैठे हुए हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टोटल इनएक्टिविटी। और ऑथर क्या चाह रहा है, ऑथर चाह रहा है कुछ पल की शांति, ऑथर चाह रहा है कुछ पल आप कुछ ना करें। तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं क्या चाहता हूँ उसमें आप कंफ्यूज मत होना टोटल इनएक्टिविटी को लेके। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, जिंदगी जिसके बारे में तुम जानते थे, जिंदगी वही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी के मायने कुछ और हैं, जिंदगी वही है जो तुम जीते आ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कुछ पल को कुछ मत करो। I want no trunk with death, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। If we were not so single minded about keeping our lips moving, अगर हम बहुत ज़्यादा single minded ना हो, अब single minded का मतलब क्या है, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बढ़ाने के बारे में ना सोचें। आगे बोलता है वो क्या,
इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, अपनी जिंदगी को भगाने के बारे में ही ना सोचें, फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ ना करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम भागे जा रहे हैं, रेट रेस में भाग रहे हैं, आगे निकलो आगे निकलो आगे निकलो, अगर हम इसको सोचे ना और एक बार के लिए कुछ ना करें, परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी खामोशी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, आपकी इस उदासी को दूर कर दे। कौन सी उदासी? सिर्फ दो ही उदासी हैं क्या? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि जिंदगी में हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाए, एंड थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हमेशा अपने आप को मौत से डराते आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, हम अपनी ज़िंदगी में बस भागते रहते हैं। एक पल के लिए अगर हम भागने के बारे में ना सोचें तो एक बहुत बड़ी खामोशी आपकी उदासी को दूर कर देगी। उदासी क्या है? आप में से बहुत सारे लोग, मैं भी, ये सोचते रहते हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाए, हम किसी और चीज़ के लिए बने। और दूसरा फियर क्या है? डेथ। डेथ मतलब मौत। मौत मतलब यहाँ पे समझ लो फेलियर्स, कि हम सब लोग फेल होने से डराते हैं अपने आप को, कि यार फेल हो गए तो, फेल हो गए तो एक पल के लिए कुछ मत करो, शायद वो खामोशी आपके दिमाग को शांत करे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद आपको पृथ्वी सिखा दे। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है दुनिया में हर चीज़ खत्म हो गई है, लेटर्स प्रूव टू बी अलाइव, तो बाद में सब कुछ जीवित हो जाता है। मतलब क्या? मतलब आप जो है एक जिंदगी में भागते जा रहे हो रेट रेस में, मतलब थक चुके हो आप अपनी ज़िंदगी में, और आपको लगता है आप पीछे नहीं जा सकते, अब आप फेल हो जाओगे, तो ये पॉइंट कहता है कि भैया आगे नहीं निकले हो आप। शायद आपको पृथ्वी सिखा दे, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि आप फेल हो चुके हो, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो बाद में सब कुछ जीवित हो जाता है। या पेड़ से भी सीख सकते हो, या आप नेचर से सीख सकते हो। आई गेस आप सीख गए होंगे, सीख गए हो ना। तो नाउ आई विल काउंट टू 12, चलो अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब लोग चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। दैट्स इट गाइस, ये थी पोयम, और मेरी एक किताब आई है Exam 24, आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी तो भैया ये इसकी फोटो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए ले लीजिएगा, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।